हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रेड्स आर्ट एंड क्राफ्ट। होप मेरा लास्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने अपने बेटे के लिए बर्थडे गिफ्ट डेनिम का बैग बनाया था। उसे तो वो बहुत पसंद आया और आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज एक नया क्राफ्ट मैं लेकर आई हूँ। हमारे घर के बाहर कई बार ऐसा होता है, हम घर पर नहीं होते हैं और कोई लेटर्स होते हैं ऐसे ही डोर पे सब अटका के चले जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा मेल बॉक्स बनाया जाए अपना और अपने एक डोर के बाहर लगाया जाए। और उसी का क्राफ्ट मैं आज शेयर करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसे मैंने कैसे बनाया और क्या क्या मटेरियल्स यूज़ हुए। पोस्ट बॉक्स बनाने के लिए जो मैं मटेरियल्स यूज़ कर रही हूँ वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, एक फेविकॉल, मोल्डिंग क्ले, कुछ कलर्स, ब्रशेस, मास्किंग टेप, स्केल, पेंसिल और सीजर। और थोड़ा सा मैं कार्डबोर्ड और यूज़ करने के लिए एक बॉक्स और मैंने लिया है। इसमें कहीं अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपना पोस्ट बॉक्स बनाने के लिए। पहले इसको एक बॉक्स का शेप दे देते हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये ओवरलैप्ड था। इट इज़ नॉट अ बॉक्स एक्चुअली, ये सिर्फ एक ऐसा ही एक कार्डबोर्ड था जिसे सिर्फ फोल्ड करके इसमें पार्सल आया था। तो इसको पहले एक बॉक्स का शेप दे लेते हैं और उसके बाद फिर इसे शेप देते हैं पोस्ट बॉक्स का। अभी मैंने ये बॉक्स पीछे से भी पूरा जॉइन कर दिया है और आगे से एक छोटा सा विंडो दिया है जिस पे मैं एक कुकू बर्ड डालने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी कैसे आता है। और एक डोर दे दिया है जो कि पूरा नहीं है, टू सम एक्सटेंट यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आप चाहें तो उसको और बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर ब्रॉड कर दिया है जैसे आप देख सकते हैं, ताकि ये ओवरलैप इसके ऊपर हो सके इजीली। और ये एक्चुअली मैंने जो जॉइन दिया है ये इसके नीचे से है और जो डोर रहेगा वो इजीली ओवरलैप हो जाएगा। और वो और एक और चीज़, यहाँ पर भी मैंने विंडो के नीचे से एक ब्रॉड कार्डबोर्ड लगा दिया है, थोड़ा यहाँ से भी एक्सटेंड किया है और यहाँ से भी एक्सटेंड किया है, ऐसा रफली ले लिया है। मैं अभी इसका आपको मेजरमेंट बताती हूँ कि मैंने इसको कितना इसका लेंथ और विड्थ लिया है। ये बॉक्स जो है ये अराउंड इसका जो लेंथ है ये अराउंड 14 इंचेस का है और इसका जो विड्थ है ये अराउंड 10.5 इंचेस है। तो ये मैंने इसका बिल्कुल सेंटर में ये बनाया है। ऊपर से मैंने ये अराउंड टोटल मैंने 3 इंचेस लिया था, जिसमें से ये जो एक स्क्वायर बॉक्स बनाया था ये 2x2 का बनाया था और उसके ऊपर रफली एक राउंड शेप दिया था। इसे मैं अभी कवर करूँगी और यहाँ से भी थोड़ा नीचे है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ऊपर टच नहीं किया है वो, और ये टच किया है तो उसका भी कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने इसमें नीचे जो ये दिया है तो हम जो कुकू होगा वो इसके ऊपर स्टिक कर देंगे तो वो बिल्कुल भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और 4 इंच मैंने ब्रॉड ले लिया है। अभी इस पूरे बॉक्स को मैं ग्लू और पेपर की हेल्प से इसके ऊपर ग्लू का लेयरिंग और पेपर का लेयरिंग लगा के थोड़ा थिक करूंगी और ताकि इसके जो जॉइंट्स हैं या एजेस हैं वो अच्छी हो जाएं और ये रफ एजेस भी ठीक हो जाएं और सब कुछ कवर हो जाए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होने के बाद हम इसको फिर पेंट करेंगे। अभी मैंने एक लेयर इसमें पेपर का और ग्लू का कर लगा लिया है, एक ही लेयर दिया है क्योंकि इसके ऊपर मैं जो मैंने पहले एक बार ही
किया था ब्रिक्स वाला डिज़ाइन, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी, वो अच्छा भी लगेगा, तो एक डोर का लुक आ जाएगा उसमें। तो तब तक, जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम ब्रिक्स के लिए जो हमने एक एक्स्ट्रा बॉक्स रखा था तो इससे हम कट कर लेते हैं और छोटे छोटे पीसेस में रेडी कर लेते हैं जब तक ये ड्राई होता है। अभी तक ये ड्राई हो रहा है, मैंने ब्रिक्स काट लिए हैं जो इसके ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। तब तक हम क्ले से कुछ फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, पेपर्स, ये कुछ मोल्ड्स हैं इससे बना लूँगी। आपको चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप अमेज़ॉन से इजीली परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो तब तक बना लेते हैं और रेडी कर लेते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए और हम उसे कलर कर सकें। To give a brick looks, ये जो मैंने कार्डबोर्ड पीसेस काटे थे अब इसके ऊपर मैं पेस्ट करूँगी और फिर इसे पूरा न्यूज़पेपर को कवर कर दूँगी। सो यू कैन सी मैंने पूरा इसे पेस्ट कर लिया है और इसे मेक श्योर किया है कि ये साथ में ना अटैच हो जाए, तो इसे मैंने अलग किया है और इसको मैंने अलग किया है। और ये आप देख सकते हैं कुकु का गेट भी रेडी हो गया है, तो अभी मैं इसको ड्राई होने दूंगी। उसके बाद मैं इसमें आज प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ नहीं करूंगी, आज मैं सिर्फ इस पर एक फेविकॉल का लेयरिंग करूंगी और जो इसके अंदर का पोर्शन है इसको भी एक नीट लुक करने के लिए इसमें एक पेपर चिपका दूंगी, कलरफुल पेपर, कोई भी पेपर आप चिपका सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो इसको मैं रेडी कर देती हूँ। मैंने इसके ऊपर फेविकॉल का एक अच्छा खासा कोट डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह फेविकॉल क्यों यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली फेविकॉल सूखने के बाद जब हम इसे पेंट करेंगे तो ये बहुत ही शाइनी और बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का आएगा, तो ये ज्वाइन ना हो इसलिए मैंने इसके बीच में कार्डबोर्ड डाल दिया है। और अभी मैं इसको ड्राई होने दूंगी और ड्राई होने के बाद देखेंगे कि इसके ऊपर हम किस तरह से डेकोरेट करते हैं। ये पूरा ड्राई हो गया है और एक शाइन सी है जो आप देख सकते हैं। अभी इसको हम डेकोरेट करते हैं और इसे और एक अच्छा लुक देते हैं। हम इसे डेकोरेट करने के बाद ही क्ले से उसके बाद ही इसको कलर करेंगे। यू कैन सी अभी जो मैंने क्ले से लीव्स, फ्लावर्स बनाए थे वो सब मैंने एक गार्डन लुक दे दिया है, बटरफ्लाइज भी लगा दिए हैं और अभी मैं इसे सूखने दूंगी। तब तक हम मीनवाइल इसका लॉक बना लेंगे और जो हुक रहेगा जिसमें आप एक लॉक लगा सकते हैं तो वो भी मैं क्ले से बनाऊंगी क्योंकि ये हार्ड क्ले है, ये ड्राई हो जाती है तो हार्ड हो जाती है, तो क्ले से ही बनाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बना रही हूँ। अभी मैंने ये लॉक तो लगा दिया है बट अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ है,
तो इसे मैंने थोड़ा पाउडर लगा दिया सो दैट ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। अभी इसको मैं ड्राई होने दूंगी और मैंने थोड़ा सा क्ले यहाँ कुकू को चिपकाने के लिए भी लगा दिया है। पहले मैंने सोचा कि मैं पहले लगा देती हूँ बर्ड को और बाद में कलर करूँगी, बट पीछे से कलर करना डिफ़िकल्ट होगा, तो मैंने सिर्फ ये नीचे एक क्ले का स्टैंड डाल दिया है सो दैट इसके ऊपर क्ले सॉरी द जो बर्ड है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो अभी ओवरऑल वाइट कलर में आप इसका लुक देख सकते हैं। अभी हम इसको ड्राई होने देंगे अच्छे से, स्पेशली ये लॉक को, और उसके बाद फिर हम इसे कलर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो गया है और अब मैं इसके ऊपर गोल्डन टच दूंगी विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज। और इसमें जितने भी आपको फ्लावर्स लीव्स दिख रहे हैं इसे अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस से कलर दे दूंगी। लगाएंगे तो यू कैन सी कैसा इसमें लुक आ रहा है। और दिस इज माय होल मेल बॉक्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेल बॉक्स कैसा लगा। आप चाहें तो अपना फ्लैट नंबर भी इसमें लगा सकते हैं वेयर एवर यू लाइक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा ये मेल बॉक्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।